गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चक्का जाम जो हुआ है वो ट्रांसपोर्टर्स जो हैं और ट्रक और बस ड्राइवर जो हैं ये चक्का जाम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे एक नया कानून है जिसका नाम है BNS 2023 के जो प्रोविजंस हैं अभी तक लागू नहीं हुए हैं, है ना। मैं ये बार बार चीख चीख कर जगह जगह बोल रहा हूँ क्योंकि लागू अभी तक नहीं हुआ। नोटिफाई होने के बाद भी गवर्नमेंट ने उसके लागू होने की तारीख नहीं दी है। इसका मतलब अभी भी हमारी IPC लागू है। इस बात को तो आपको समझना चाहिए। फिर अगर आप गूगल करो और NCRB के डेटा देखो तो आपको पता होना चाहिए दुनिया में जितने भी देश हैं उनमें जो नंबर वन देश रोड एक्सीडेंट के मामले में है वो भारत है। कौन सा देश? भारत। उसमें भी सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट में लोग मरते हैं वो है बेंगलुरु और सबसे कम वाला है नागालैंड। कितने मामले दर्ज हुए हैं 2022 में? अभी हमारे पास 2023 का आंकड़े नहीं आए हैं आपकी जानकारी के लिए। 2022 के NCRB के डेटा अवेलेबल हैं जिसके अनुसार लगभग 480,000 के आसपास, मतलब लगभग आप मान लो 5,00,000 के आसपास एक्सीडेंट 2022 में रिकॉर्ड हुए हैं। और जिस एक्सीडेंट की हम बात कर रहे हैं वो फैटल एक्सीडेंट है। फैटल एक्सीडेंट का मतलब होता है घातक दुर्घटना। और उसमें मरने वालों की जो संख्या है वो है 1,68,000, 1,68,300 के आसपास घटनाएं। इसका मतलब क्या समझ में आता है आपको? अगर उसको डिवाइड करो तो आपको जानकर रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए कि हर 3 मिनट में भारत में एक आदमी रोड एक्सीडेंट में मर रहा है। अगर मैं आंकड़ों की ही बात करूं, डेटा कितने मिनट में? 3 मिनट। हर 3 मिनट में, मतलब जब तक हम यहां बैठ के 1.5 घंटे में ज्ञान ग्रहण करेंगे तो टाइम हो जाएगा 90 मिनट्स बीत जाएंगे, है ना। और 90 को 3 से डिवाइड करो मतलब उतने देर में 30 लोग मर चुके होंगे। और ये भारत की बात कर रहा हूं ना, विश्व की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक देश की बात कर रहा हूं। और हमारे यहां पर रोड एक्सीडेंट में जो धाराएं फिलहाल लागू होती हैं आईपीसी की, एक सेक्शन है 279। कौन सी धारा? 279। ये रेस्ट ड्राइविंग के लिए लागू होती है और इसमें 6 महीने तक की सजा हो सकती है। कितनी? 6 मंथ्स तक की सजा हो सकती है मैक्सिमम। अगर जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको गंभीर चोट पहुंचती है, ग्रीवस हर्ट शब्द हमारे पास में। ग्रीवस हर्ट क्या होता है उसके लिए आपको आईपीसी का सेक्शन 320 देखना पड़ेगा जहां पर गंभीर चोट की परिभाषा है। अगर किसी को गंभीर चोट हुआ है तो फिर एक धारा लगती है, वो है 338 नंबर की धारा लगती है, ठीक है। और अगर इसमें भी 2 साल तक की सजा है, लेकिन अगर मान लो कोई आदमी मर गया रैश और नेग्लिजेंस ड्राइविंग से तो एक धारा हमारे पास लगती है, वो है 304A नंबर की धारा है ये, 304A, जिसमें भी 2 साल तक की सजा है। 2 ईयर्स का मैक्सिमम पनिशमेंट है। 2 साल तक का मतलब है 2 साल की मैक्सिमम सजा। और ये कौन सा कानून है? ये है IPC। इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूं आपको। ये है रैश ड्राइविंग। अगर आपने स्कूल बसेस देखे हों उसके लिए पीछे लिखा होता है इफ यू सी रैश ड्राइविंग प्लीज रिपोर्ट। एक नंबर होता है कॉल कॉन्टेक्ट नंबर, वो स्कूल का ही नंबर होता है और वो ड्राइवर के सुपरवाइजर का नंबर होता है। जबकि 279 कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल का मतलब होता है जिसमें पुलिस अधिकारी सीधा बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है, उसके पास अधिकार है। 279 को कॉग्निजेबल बनाया गया है, मैं आपको जानकारी दे दूं। लेकिन जब हम यहां जाते हैं 304A में तो फिलहाल अभी भी वो कॉग्निजेबल बेलेबल है। कैसा है? संज्ञेय तो है लेकिन जमानती है। और जमानती होने का मतलब है कि पुलिस थाने से जमानत मिल जाएगी, गिरफ्तार करेंगे, पुलिस स्टेशन लेकर जाएंगे, वहां जमानत पर छोड़ देंगे। तो कॉग्निजेबल बेलेबल है। तो ऐसा माना जाता है कि धाराएं कमजोर हैं और क्योंकि कानून कमजोर है इसीलिए जो है रेस ड्राइविंग के मामले कम नहीं हो रहे हैं। और दूसरा, सड़क दुर्घटना में लोग मर रहे हैं। कितने लोग मर रहे हैं मैंने बताया? हर 3 मिनट में एक इंसान भारत में रोड एक्सीडेंट में मर जा रहा है। मतलब ना तो हमको जान की कीमत है किसी की, ना सामान की कीमत है, ना किसी और चीज की कीमत है। तो कैसे ठीक होगा ये? तो सरकार को एक बात समझ में आई। क्या समझ में आई? कानून को कड़ा कर दो। तो एक धारा BNS है हमारे पास में, नया कानून आ गया है, ठीक है, BNS 2023 इसका नाम है। इसमें एक धारा है 106। इस 106 नंबर की धारा में सेकंड क्लॉज एक जोड़ा गया है
जो कहता है कोई अगर रेस ड्राइविंग करेगा, नेग्लिजेंट ड्राइविंग करेगा, किसी को टक्कर मार देगा और भाग जाएगा, तो उसको 10 साल की सजा है। कैसी सजा है? 10 साल की सजा के साथ में एक चीज और जोड़ दी गई है, कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल है। जुर्माना शायद 7 लाख रुपए तक का जुर्माना है, तो 7 लाख का जुर्माना कर दिया, 10 साल की सजा कर दी, कॉग्निजेबल कर दिया, नॉन बेलेबल कर दिया। इसका मतलब है कि पुलिस सीधे गिरफ्तार करेगी और मैजिस्ट्रेट के पास ले जाएगी, छोड़ना है उसको नहीं छोड़ना है मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा। लोगों का विरोध इस एक बात पर है, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो बस ड्राइवर्स हैं और जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, वो सब इसका विरोध कर रहे हैं कि ये धारा बहुत कठोर कठिन धारा बना दी है। लेकिन सरकार ने धारा बनाई है, अगर आप एक नजरिए से देखें तो ठीक दिखाई पड़ता है, लेकिन एक नजरिया और भी है। क्या रोड एक्सीडेंट के लिए सिर्फ ड्राइवर जिम्मेदार हैं? हम दो तरह के रोड पर चलते हैं, समझना। एक होता है बढ़िया रोड, टकाटक, जैसे ही आप टकाटक रोड पर पहुंचो, मतलब समझना कोई वसूली के लिए सामने खड़ा होगा, वो वैध वसूली है, उसे कहते हैं टोल। क्या कहते हैं? टोल टैक्स होगा, वहां आप जाओगे, टोल भर दोगे, निकल जाओगे। बहुत सारे लोग खुश हैं ये सोचकर कि टोल अपने आप कट जाता है, फास्ट टैक्स से खुश हैं लोग। तो एक कहानी मैंने सुनी कि ऐसा ही एक लोकतंत्र था जहां पर में लोग जो है शिकायत नहीं करते थे, बहुत अच्छे लोग थे। कुछ ने मेरा ही लेक्चर सुन लिया था कि शिकायत करना ही मत, कुछ ऐसे ही मोटिवेटेड थे तो शिकायत नहीं करते थे। राजा को लगा कि यार जनता मरमरा तो नहीं गई, कुछ करना चाहिए, क्या करें। तो एक शहर के बीचों बीच बड़ा गड्ढा खोद दिया कि लोग शिकायत करेंगे, लोग गड्ढे से बच के जाने लगे। उसके ऊपर एक ब्रिज बना दिया, टोल गेट लगा दिया, बोला टोल भरो, लोग टोल भर के जाने लगे। कुछ लोग ये सोचने लगे टोल में टाइम लग रहा है तो कैसे करें, फास्टैग लगवा दिया, खुश हो रहे हैं लोग। राजा ने एक और काम किया, एक आदमी खड़ा कर दिया, बोले जो यहां से गुजरेगा टोल भरेगा, एक कोड़ा भी मारो इसको। तो लोग पहले से ही पीठ दिखाने लगे कि इधर मारना, कल इधर लगा था, चल क्या रहा है। तो राजा ने सोचा क्या पता इनके पास कोई शिकायत करने के लिए फोरम नहीं है, इसलिए शायद शिकायत नहीं कर पा रहे हो, तो शिकायत पेटी रखवा दी जगह जगह। अब राजा को नए साल में चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, महाराज सुबह सुबह हमारे ऑफिस जाने का समय होता है और टोल गेट पे कोड़ा मारने के लिए एक ही आदमी है। कृपा करके कोड़ा मारने वाले लोगों की संख्या बढ़ा दीजिए, यह समस्या है हमारी। क्योंकि अगर हम सही सड़क पे गए और समझना उसने टोल मांगा, तो खराब सड़क पे जाने के पैसे वापस होने चाहिए। हम खराब सड़क पे भी तो चले, टायर घिसा ना मेरा, सस्पेंशन खराब हुआ, एक आदमी क्यों नहीं खड़ा है ले 50 रुपए। फिर जब हमने गाड़ी खरीदी तो हमने दो तरह के टोल भरे, एक तो टैक्स भरा गाड़ी का, दूसरा रोड टैक्स भी भरा। अगर आपने कोई गाड़ी खरीदी होगी तो हमने पहले ही टैक्स भर दिया है उसका। तो एक जो कारण है रोड एक्सीडेंट का, उसमें सबसे बड़ा एक कारण है सड़कों का ठीक ना होना, पहला प्रॉब्लम। आदमी चला जा रहा है, सामने गड्ढा अचानक से आ गया और ये चल रहा है 100 की स्पीड पे, तो गाड़ी राइट या लेफ्ट लेता है, वो गड्ढे में नहीं उतार देता कि चलो गड्ढे में उतर के देखें कैसा मजा आता है। और जो आजू बाजू से लोग आ रहे हैं वो टक्कर होता है। तो एक कारण है सड़कों पर गड्ढा होना आम है, समस्या वो नहीं है, कई जगह गड्ढे पर सड़क है, आपको सड़क ढूंढना पड़ता है गड्ढों में। तो सरकार ने ये प्रोविजन बनाया, साथ में एक प्रोविजन और बना देते, वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भी जेल जाएगा, वो जो रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री है उसका भी, उसको भी जुर्माना लगेगा। एक प्रोविजन ये हो सकता था। दूसरी बड़ी समस्या क्या है पता है? दूसरी समस्या है, एक डिपार्टमेंट है सरकार का, उसका नाम है रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, RTO कहते हो आप उसे। तो ये जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है RTO, एक बहुत कड़ाई से नियम होना चाहिए कि लाइसेंस उसको ही मिलेगा जिसको गाड़ी चलानी आती है और ट्रैफिक रूल जिसको पता है। किसको मिल रहा है लाइसेंस? वो जिसके पास एजेंट को देने के लिए पैसा है। दूसरी बड़ी समस्या, मतलब जो सड़कों पर लोग चल रहे हैं उसमें से, मुझे बोलते हुए कोई टेंशन नहीं है, कोई रिसर्च करे तो बात आ जाए, कि शायद 90% लोग ऐसे होंगे जिनको ट्रैफिक रूल्स नहीं पता होंगे, शायद 95% लोग होंगे जिनको डैशबोर्ड पे जो साइंस आ रहे हैं उसका मतलब नहीं पता होगा। बहुत बड़ा आंकड़े की बात कर रहा हूं मैं। डैशबोर्ड होता है ना, कार डैशबोर्ड, ट्रक डैशबोर्ड, उसमें साइंस होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, मैक्सिमम को यही नहीं पता होगा वो सिग्नल्स क्या है।
सीट बेल्ट पहनने में आदमी को तकलीफ है, वो सोच रहा है शर्ट का क्रीज ना खराब हो जाए, पता नहीं कहाँ शूटिंग पे जा रहा है, कौन से फिल्म का हीरो है। हेलमेट लगाने में लोगों को तकलीफ है, बाल खराब हो जाएंगे। हर इंसान डेट पर है 24 घंटे, पता नहीं किसको इंप्रेस कर रहा है। और सड़क पर, चौराहे पर, दुनिया भर में लोग तीन तरह के रंग ढूंढते हैं, एक है लाल, एक है हरा और एक है पीला। हम सफेद रंग ढूंढते हैं, हर आदमी सफेद रंग ढूंढ रहा है। सफेद है क्या तो रुक जाओ, सफेद नहीं है क्या चल पड़ो, ये सोच रहा है सफेद रंग कहां होता है, सर ने ट्रैफिक सिग्नल ही नहीं देखा। तुम गाड़ी चलाओ तुमको दिखाई पड़ेगा, हर आदमी सफेद रंग ढूंढ रहा है। और सफेद रंग में होता है वर्दीधारी, अगर वो है तो रुकेंगे, वो नहीं है तो चलेंगे, उन सिग्नल से किसको क्या लेना देना। तो इन चीजों का कड़ाई से पालन हो उसके बाद शायद ये नियम लगे। ये नियम मुझे लगता नहीं कि खराब है, लेकिन इसमें एक बात और है, आप इसके 106 के क्लॉज 1 में चले जाओ तो वहां एक दूसरी तरह की बात लिखी है। लिखा है कि जिसने एक्सीडेंट कर दिया अब वो जाकर के रिपोर्ट कर दे पुलिस को कि मैंने एक्सीडेंट कर दिया है, तो सजा 5 साल की मिलेगी। मतलब क्या चाह रहे हो आप? रेश ड्राइविंग शब्द है। अब रेश ड्राइविंग में ट्रक भी हो सकता है, वो बाइक भी हो सकती है। तो अगर जाके शिकायत कर दी तो 5 साल की सजा होगी, बिना शिकायत के भाग गया तो 10 साल की होगी। सजा तो सजा है, एक दिन की हो 10 साल की हो, सजा तो सजा है। जबकि होना क्या चाहिए था, मेरी समझ ये कहती है कि अगर किसी ने रिपोर्ट कर दी, जैसे अभी एक चीज और समस्या है, एक पुलिस को प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। पुलिस वाले क्या समझते हैं, दो लोगों की टक्कर हो गई, बड़ी गाड़ी वाला जिम्मेदार है, छोटी गाड़ी वाला नहीं है। जबकि लॉ क्या कह रहा है, लॉ कह रहा है जिम्मेदार वो है जो कि गलत गाड़ी चला रहा था, जो रैश ड्राइविंग कर रहा था। लेकिन देखा क्या जाता है, बड़ी गाड़ी वाला, और हड़ताल कौन कर रहे हैं, उनसे बड़ी गाड़ी और नहीं होती, छोटी गाड़ी वाले हड़ताल इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि दो लोगों की टक्कर हुई। एक बस का टक्कर किससे होगा, छोटी गाड़ी से, वो कौन सा है, ट्रोला है, डंपर है, बाइक है, कार है, कुछ भी है, जिम्मेदार कौन है, हमेशा ट्रक वाला है। जबकि लॉ क्या कह रहा है, जिम्मेदार वो है जो नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहा था, जिम्मेदार वो है जो रैश ड्राइविंग कर रहा था। तो सरकार को और कई सारे पक्ष हैं जिन पर काम करना चाहिए, उसमें एक बढ़िया पक्ष यह है, संशोधन ये हो सकता है कि अगर मान लेते हैं रोड एक्सीडेंट हुआ और रोड एक्सीडेंट के बाद जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, जिसको चोट लगी है, ड्राइवर ने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया, पुलिस को सूचना दी और साथ ये पता चलता है कि वो नशे में नहीं था, इन दोनों के बीच में पहले कोई दुश्मनी नहीं थी, किसी ने उसको ऐसा करने के लिए उकसाया नहीं था और ये मेयर एक्सीडेंट दुर्घटना था, तो उस व्यक्ति को माफी दी जानी चाहिए थी। क्या दी जानी चाहिए थी, एक इसके लिए पहले से प्रोविजन सेक्शन 80 आईपीसी में है हमारी, जो कह रहा है अगर दुर्घटनात्मक कार्य हुआ है तो माफी मिलेगी। इस बात को साफ साफ यही लाना चाहिए था, इससे कम से कम रोड एक्सीडेंट में मौत की घटनाएं कम हो जाती, क्योंकि रोड एक्सीडेंट में मैक्सिमम जो लोग मरते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उनके मरने के पीछे कारण होता है इमीडिएट चिकित्सा का न मिलना। आदमी टक्कर हो गया, भाग गया, अब कोई तो कभी देखेगा, वो आकर के ले जाएगा, पुलिस को सूचना देगा, मैक्सिमम लोग तो सूचना देना भी नहीं चाहते क्योंकि पुलिस उनको ही पकड़ कर ले जाएगी, पॉसिबिलिटीज हैं कि तुम ही तो नहीं थे कहीं, या वो कम से कम विटनेस तो बनेगा, और विटनेस बनेगा इसका मतलब यह है कि उसको लोअर कोर्ट में आना होगा, सेशन कोर्ट में आना होगा, हाई कोर्ट में आना होगा, और पार्टी बहुत बड़ी है तो सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा बार बार विटनेस बन के। तो करने क्या गया था, भलाई, और हो गई उसकी खुद की भलाई। तो ये प्रोविजंस जो हैं देखने में अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इसके पीछे के बैकग्राउंड में एक बार जाओ तो समझ में आता है कि ये थोड़ा सा मामला टिपिकल है। एक बात और है, जुर्माने की रकम कर दी है 7 लाख रुपए, जबकि मैं लगातार ये कहता रहता हूं, आपने सुना हो अगर मुझे, कि जुर्माने की रकम जो है ये डिसाइड करना चाहिए कोर्ट को, क्योंकि समझो एक ड्राइवर है जो 10,000 महीने की सैलरी पर काम कर रहा है, उसने एक्सीडेंट कर दिया, 7 लाख रुपए भरेगा कहां से, इसने जीवन भर में, इसके 7 पीढ़ी ने 7 लाख रुपए नहीं देखे, और आप कह रहे हो 7 लाख का जुर्माना होगा, जबकि जुर्माने की रकम कितनी होनी चाहिए उस पर डिपेंड करेगा उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है। ये बात हम लगातार कह रहे हैं, सेक्शन 63 आईपीसी इस बारे में प्रोविजन कर रहा है, और ये किस पर डिपेंड करता है, सर्कमस्टेंसेस क्या थे, उसकी परिस्थितियां क्या है, उसका इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, और मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशन पावर, ये सब मिलेंगे तो जुर्माने की रकम तय होगी। कंपनसेशन अलग कहानी है, जुर्माना अलग होता है, जुर्माना व्यक्ति पर लगेगा, कंपनसेशन जो है वो डिपेंड करेगा क्षतिपूर्ति की रकम, क्षतिपूर्ति तो लीगल एड अथॉरिटी भी दे सकता है। हमारे पास एक विधिक सहायता प्राधिकरण होता है, एक लॉ है हमारे पास, लीगल एड अथॉरिटी एक्ट ऑफ इंडिया 1987,
और सीआरपीसी जो अभी लागू है उसके सेक्शन 357A में इस बारे में पूरी प्रावधान है कि उसको कंपनसेशन कैसे दिया है, क्षतिपूर्ति कैसे मिलेगी, इंश्योरेंस होगा वहां से मिल जाएगा, लीगल अथॉरिटी दे देगी। आप जुर्माने की बात कर रहे हो, जुर्माना इज अ पनिशमेंट, इट इज अ काइंड ऑफ दंड। किस पर लगेगा ये? अपराधी पर लगेगा। तो ये खतरनाक मामला है, मतलब समझो कि ये जो बात है ये चर्चा और बहस का मुद्दा है और इस पर और भी लोग हैं जो जिम्मेदार हैं, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। हम सिर्फ किसको अंदर पहुंचाना चाह रहे हैं? उस ड्राइवर को। जबकि जिम्मेदार और कौन लोग हैं? वो आरटीओ अधिकारी जिम्मेदार है जिसने उसको परमिट दे रखा है। किस बात का परमिट? कि वो चलने लायक नहीं है गाड़ी और चलाने की परमिट है। वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी जिम्मेदार है जिसने लाइसेंस घर पहुंचा दिया जबकि उसका एग्जाम होना चाहिए था। वो रोड कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार है जिसने सड़क सही नहीं बनाई जिसके कारण सड़क बह गया है और एक्सीडेंट हो रहे हैं। इतने लोग और जिम्मेदार हैं। इसके बाद फिर जिम्मेदारी तय होगी इस बात पर कि गाड़ी कौन नेग्लिजेंट चला रहा था। क्या वो 10 की स्पीड में चलने वाला ट्रक ड्राइवर नेग्लिजेंट है या वो 150 की स्पीड में चलने वाला कार ड्राइवर नेग्लिजेंट चला रहा था? तय करना होगा ना वो, तो कि कौन रॉन्ग साइड से आ रहा था, कौन राइट से था, कौन नशे में था। कई चीजें तय करनी होंगी, लेकिन हमने सीधा कह दिया हिट एंड रन। डोंट हिट एंड रन, यू मस्ट गो टू द पुलिस एंड सरेंडर। 5 साल की सजा हो जाएगी तुम्हें। तो सजा 5 साल की हो, सजा 3 साल की हो, सजा 10 साल की हो, वो सजा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो हड़ताल हो रहे हैं वो ठीक हैं, लेकिन हाँ मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि जो कानून है वो एक तरफा है, और भी लोग जिम्मेदार हैं, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और दूसरा एक बढ़िया काम और कर सकते हैं, बताऊं मैं आपको। हमारे यहां पर में रोड में चलने के लिए स्पीड लिमिट है। अगर आप नेशनल हाईवेज में भी चले जाओ ना, एक्सप्रेसवे में, तो शायद वहां भी 100 या 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट मैक्सिमम है। जैसे मुझे याद आता है यमुना एक्सप्रेसवे पे 100 किलोमीटर प्रति घंटा मैक्सिमम स्पीड, वहां लेन बने हुए हैं। अगर आप कभी गए हो, 100 किलोमीटर की लेन अलग है, 60 की अलग है, 40 की अलग है, और वहां जगह जगह वो लगा हुआ है स्पीडोमीटर। अगर आपने ब्रीच किया तो चालान घर पर आ जाएगा। एक बढ़िया काम यह हो सकता है कि आप, अगर आपने तय कर रखा है कि गाड़ी 100 किलोमीटर से आगे स्पीड पे नहीं चलेगी, तो कंपनीज को बोल दो गाड़ी ऐसी बनाए कि 100 से ऊपर स्पीड पे चले ही ना। दबाते रहो तुम एक्सीलेटर, कहां बढ़ेगी गाड़ी, पूरा खड़े हो जाओ एक्सीलेटर पे तुम। इतना आसान तरीका है, मतलब लॉ को इंप्लीमेंट करने का तरीका, जड़ पर बात करना जरूरी है। हम कहां बात कर रहे हैं? फूल पौधे। ठीक वैसा ही फूल पौधों को पानी दे रहे हैं। क्या पौधा बड़ा होगा? जड़ पर पानी देना पड़ेगा। तो जड़ क्या है? वो ओवर स्पीडिंग वाली गाड़ियां। आप कोई कार देखो, उसमें रहता है मैक्सिमम स्पीड लिमिट 260-280, ऐसी स्पीड मैक्सिमम रहती है। क्यों दे रखा है ऐसा? आप बना दो 110 के ऊपर, गाड़ी जाएगी ही नहीं, और कोई कंपनी उसके ऊपर की गाड़ी बना रही है, कंपनी को सीज कर दो। कानून तो बनाना आपके हाथ में है ना। अब लोकसभा में भी मेजोरिटी है, राज्यसभा में भी मेजोरिटी है, स्टेट्स में मेजोरिटी है, आप इमीडिएट ये काम कर सकते हो। लेकिन आपने क्या अच्छा समझा? फूल पौधों को पानी दे दो, इससे जड़ नहीं सींचा जाएगा, इससे पेड़ पौधे बड़े नहीं होंगे, इससे समस्या नहीं सुलझेगी। और इसीलिए वो तबका परेशान है जिसका नाम है ड्राइवर, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टर। अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो बहुत अच्छे से, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात में बात कर सकोगे, चर्चा कर सकोगे, बहस कर सकोगे। कोई डाउट किसी को बताओ, क्लैरिटी आ गई अनमोल एकदम।